हेलो एवरीवन, वेलकम टू ComputerNerds। आज हम सीखने वाले हैं अडैप्टिव रेजोनेंस थ्योरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एआरटी, एआरटी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो ये नेटवर्क जो है हमारा डेवलप किया गया स्टीफन ग्रॉसबर्ग एंड गिल कार्पेंट के द्वारा इन 1987। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा कि इसका नाम सजेस्टेड है, अडैप्टिव एंड रेजोनेंस। तो अडेप्टिव का मतलब होता है हमारा ओपन टू न्यू लर्निंग, रेजोनेंस का मतलब होता है हमारा विदाउट लूजिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन। तो नेटवर्क में होता क्या है, वो बिना अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को खोए बगैर नई इन्फॉर्मेशन को सीखता है। तो ये होता है हमारा एआरटी, अडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी। ठीक है, तो जो जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपका कोई नेटवर्क है, आपने उसको ट्रेन किया फॉर लर्निंग पैटर्न ए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आप उसी नेटवर्क को ट्रेन करते हैं फॉर लर्निंग पैटर्न बी, तो क्या होता है, वो भूल जाता है कि क्या था उसका पैटर्न ए। ठीक है, तो वो भूल गया क्या पैटर्न ए क्या था। ठीक, उसको सिर्फ ए याद है। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी विथ प्लास्टिसिटी डायलेमा। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए एआरटी का यूज़ होता है। तो एआरटी में क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई नेटवर्क ट्रेन किया फॉर लर्निंग पैटर्न ए। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेटवर्क को अपने ट्रेन करते हैं फॉर लर्निंग पैटर्न बी, तो क्या होता है कि वो ए की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट नहीं करता है। ठीक है, वो सिंपली आपने ए को ट्रेन किया था तो उसने ए के सारे वेट को एडजस्ट किया। अब जब आप दूसरा बी ट्रेन करने वाले हैं तो वो ए के साथ साथ बी की इन्फॉर्मेशन को भी रखता है, मतलब वो नए नोड ऐड कर देता है उसमें। ठीक है, तो ये होता है हमारा ART1। अब चलिए देखते हैं इसका आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, एक लेयर है कंपैरिजन लेयर F1, दूसरी है हमारी रिकॉग्निशन लेयर F2। ठीक है, तो जो कंपैरिजन लेयर होती है F1, वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लेयर, और जो हमारी F2 लेयर होती है वो हमारी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी लेयर। ठीक है, अब इसके अंदर एक रिशर्ड वेव होता है और एक Gen1 एंड Gen2 होते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इससे पहले हम देखेंगे सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर ऑफ ART1। ठीक है, जो हमारी कंपेरिजन लेयर होती है वो फर्दर डिवाइड होती है हमारी दो लेयर्स में, F1A एंड F1B। ठीक है, और जो हमारी रिकॉग्निशन लेयर होती है वो हमारी F2, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और ये कनेक्टेड होती है रिसेट लेयर से। अब देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो कंपैरिजन लेयर इंक्लूड्स टू लेयर ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, दो लेयर होती हैं, F1 लेयर जो कंसिस्ट करती हैं यूनिट्स को S1, S2 अप टू SM। ठीक है, एंड इंटरफेस लेयर जो होती है वो हमारी होती है F1B, जिसमें X1, X2 अप टू XN यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारी F1A में जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, वो सारी कनेक्टेड होती हैं S1 से। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था डायग्राम में, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, S1 जो F1A लेयर है हमारी, और F1B है, जो F1A के जितनी भी यूनिट्स हैं S1, S2 अप टू SM तक, ये एक एक, जैसे S1 कनेक्टेड होगा X1 से, S2 कनेक्टेड होगा X2 से, S3 कनेक्टेड होगा X3 से, ऐसे करके SM कनेक्टेड होगा XM से। ठीक है, ये सारे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो द इनपुट लेयर F1A डू नॉट प्रोसेस द इनपुट पैटर्न बट सिंपली पास इट टू द इंटरफेस लेयर F1B। अब क्या हुआ ये, तो जो हमारा, जब हम इनपुट देते हैं अपने नेटवर्क को, तो F1A लेयर जो होती है वो सिंपली उस इनपुट को लेके, इनपुट पैटर्न को लेके सिंपली पास कर देती है F1B में। ठीक है, तो जो F1B होता है हमारा वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो द रोल ऑफ इंटरफेस लेयर F1B इज टू ब्रॉडकास्ट इनपुट पैटर्न टू द रिकॉग्निशन लेयर। ठीक है, तो F1B लेयर क्या करता है, F1B लेयर हमारा कंपेयर करता है इनपुट वेट पैटर्न को विद बिनिंग कोड वेक्टर से। ठीक है, उसने कंपेयर किया विद द हेल्प ऑफ विजिलेंस पैरामीटर। ठीक है, अगर हमारा इनपुट पैटर्न एंड विनिंग कोड वेक्टर मैच करते हैं, ठीक है, जो हमने जाना था विजिलेंस पैरामीटर के द्वारा, ठीक है, तो क्या होगा, विनिंग क्लस्टर यूनिट जो होगा वो अलाउ किया जाएगा नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए पैटर्न को लर्न करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा,
सिग्नल रीसेट सिग्नल को रीसेट सिग्नल क्या करेगा हमारा वो स्विच रीसेट सिग्नल हमारा स्विच ऑन हो जाएगा और क्लस्टर को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, फिर वो नई चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, ठीक। और जो हमारी जो F2 लेयर है, अब हम सीखते हैं, जो हमने F2 लेयर है हमारी रिकॉग्निशन लेयर, उसके बारे में हम जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कॉम्पिटिटिव लेयर ऑफ आर्ट वन, ये आर्ट वन की कॉम्पिटिटिव लेयर है। इसमें जितने भी हमारे क्लस्टर होते हैं, जो मैंने बताया था वाई वन वाई टू वाई थ्री, ये सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, इसका नंबर फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि आर्ट वन हमारा नई चीज़ों को सीखता है, उसके बाद कैपेसिटी होती है कि वो नई चीज़ों को लर्न कर सके। तो क्या होगा, जब हम नई चीज़ों को सीखेंगे तो जितने भी जो यूनिट वेक्टर होंगे वो अपडेट होंगे, तो जब अपडेट होंगे तो उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं हो सकती है, तो वो जो ऐड होते हैं वो F2 लेयर में ऐड होते हैं, तो इसलिए इनकी जो क्वांटिटी वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और वाइल द नेट इज लर्निंग अ पैटर्न, तो F2 यूनिट जो है वो कंटेन करता है थ्री स्टेटेड, कौन कौन सी, एक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट एंड इनहिबिटेड स्टेट, ठीक है। तो ये तीन स्टेट होती हैं रिकॉग्निशन लेयर की, ठीक है। तो एक्टिव स्टेट में यूनिट ऑन है, पॉजिटिव एक्टिवेशन है और एक्टिवेशन की वैल्यू वन है। इनएक्टिव में यूनिट ऑफ है, एक्टिवेशन ज़ीरो है, इस एक्टिवेशन ज़ीरो है फिर भी यूनिट जो है हमारी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकती हैं, लेकिन इनहिबिटेड के अंदर यूनिट ऑफ है, एक्टिवेशन तो ज़ीरो है लेकिन वो फर्दर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम रीसेट जो है वो क्या करता है, सेट हमारा क्या करता है, टॉप डाउन वेट्स और इनपुट वेक्टर के बीच में सिमिलरिटी मैच करता है, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ सिमिलरिटी लेस देन होती है विजिलेंस पैरामीटर से, तो क्या करता है वो रीसेट हमारा क्लस्टर को आगे नहीं जाने देता, उसको सारा पैटर्न रीसेट कर देता है, ठीक है। तो क्लस्टर इज नॉट अलाउड टू लर्न द पैटर्न एंड अ रेस्ट वुड हैपन, ठीक है। तो ये था हमारा रीसेट पैटर्न के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।